नमस्कार दोस्तों, आज मैं पीएम मोदी की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच देख रहा था तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज सामने आई। इंटरेस्टिंग तो क्या होगा, एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सी चीज सामने आई। मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो, उनकी स्पीच दिखाता हूं मैं। 1 अप्रैल से 5 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले नए व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 56 लाख, पिछले साल उसी अवधि में यह संख्या सिर्फ 22 लाख थी। तो सुना आपने, मोदी जी कहते हैं पिछले इस साल डीमोनेटाइजेशन के बाद 56 लाख यानी 56 लाख नए टैक्स पेयर ऐड हो चुके हैं। तो मैंने सुना, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं भी चेक करता हूं, एक बार ही चेक कर लेते हैं जो बोला है कि सच है कि नहीं। उसके बाद मैंने इसे गूगल पे लिखा तो हैरान हो जाओगे आप भी, देखे कि क्या क्या आया। सबसे पहली चीज, 16 मई का एक स्टेटमेंट आई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी से, जिन्होंने 16 मई 2017 चार महीने पहले कहा था कि डीमोनेटाइजेशन के बाद 91 लाख नए टैक्स पेयर ऐड हुए हैं। मैंने कहा ये क्या है भाई, पीएम मोदी कह रहे हैं 56 लाख ऐड हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं 91 लाख ऐड हुए हैं। दिखाता हूं आर्टिकल, ये देखो, इंडिया हैज एडेड 91 लाख टैक्स पेयर सिंस डीमोनेटाइजेशन, अरुण जेटली जी। ये है 16 मई का। मैंने कहा चलो और सर्च करता हूं इस चीज को। फिर और सर्च करा तो पता लगा, उसके बाद 1 अगस्त को यानी कुछ 16 दिन पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा था 5.4 लाख नए टैक्स पेयर ऐड हुए हैं डीमोनेटाइजेशन के बाद। और यही नहीं, उसके बाद ये वाला है, ये 1 अगस्त को गवर्नमेंट डेटा से निकल के आया, 33 लाख नए टैक्स पेयर ऐड हुए हैं डीमोनेटाइजेशन के बाद। चार अलग अलग डेटा। सबसे पहले 16 मई को अरुण जेटली कहते हैं 91 लाख टैक्स पेयर ऐड हो गए डीमोनेटाइजेशन के बाद, उसके बाद गवर्नमेंट डेटा 1 अगस्त को कहते हैं 33 लाख नए टैक्स पेयर ऐड हुए डीमोनेटाइजेशन के बाद, उसके बाद हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर 11 अगस्त को कहते हैं 5 लाख नए टैक्स पेयर ऐड हुए हैं, और फिर 15 अगस्त को मोदी जी कहते हैं 56 लाख नए टैक्स पेयर ऐड हुए हैं। इनमें से कौन सही है भाई, कोई तो झूठ बोल रहा है इनमें से। मतलब ये क्या क्या लगा रखा है, इतना इतना क्यों झूठ बोला जाता है देश की जनता से। फिर मैंने सर्च किया गूगल पे कि क्या पीएम मोदी ने झूठ बोला था, तो पता लगा ये कोई इकलौता झूठ नहीं था। कम से कम 7-8 चीजें जो पीएम मोदी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बोली थी वो सरासर झूठ थी। इन्होंने, आप आर्टिकल सर्च करोगे तो इतने सारे फैक्ट चेकिंग आर्टिकल्स आ जाएंगे उनकी स्पीच से कि सोलर एनर्जी के जो डेटा है उन्होंने 21% बढ़ा के बोला है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस उन्होंने 5% ज्यादा बढ़ा के बोला है, हाईवे कंस्ट्रक्शन उन्होंने ज्यादा बढ़ा के बोला है। मतलब इतना फेंकने की क्या जरूरत है यार, जो डेटा मिला है उसे दिखा दो देश की जनता को, इतना क्यों झूठ बोल रहे हो हमसे, ये सब करने की जरूरत क्या है। ऊपर से एक त्रिपुरा के सीएम, उनको स्पीच देनी थी इंडिपेंडेंस डे के दिन, उन्होंने अपनी स्पीच दी तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी स्पीच ब्लैकआउट कर दी, दिखाई नहीं उनकी स्पीच। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पीच में अनएम्प्लॉयमेंट जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया था, लिंचिंग जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया था। तो जो सच बोल रहा है तुम उसकी स्पीच दिखाओ ही ना, और पीएम मोदी जी हमारे से इतने सारे झूठ बोले जा रहे हैं, उनकी स्पीच सब पे सब चैनल्स पे दिखाई जा रही है, ये बहुत ही गलत चीज है। और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज है कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं, वो भी इंडिपेंडेंस डे के दिन रेड फोर्ट पे खड़े होके देश की जनता से। ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मोदी जी तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें पता लगे भाई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम सब रियल डेटा पे मान जाएंगे, अचीवमेंट है तो वो अचीवमेंट ही रहेगी, इतना फेंकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।